अस्सलाम वालेकुम जी, आपको पता है पाकिस्तान में इतनी शादियां होती हैं और जब शादियां जहां पे होती हैं वहां पे मसले भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उन मसलों को हल करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं और ये चीज़ मैं हज़ारों लाखों तरह एड्रेस कर चुका हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक दफ़ा वीडियो बना दूं ताकि आपके सारे मसले हल हो जाएं। अब बात करते हैं, अब बीइंग अ वेडिंग फोटोग्राफर मैं शादियों के मसलों में बहुत इन डेप्थ जानता हूं, उन सब मसलों को एक एक डिस्कस करूंगा और उनको मैं करूंगा सॉल्व। अब भोलेपुर में आप, अगर आपकी शादी हो रही है तो आप शूट्स कहाँ करवा सकते हो, क्या ऑप्शंस हैं, क्या परमिशंस हैं, क्या सीन है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप भोलेपुर की बात करें तो आप नूर महल को इग्नोर नहीं कर सकते, तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। अगर आपने शादी का शूट करवाना है आउटडोर प्रॉबेबली, तो आप करवा सकते हैं नूर महल में। अब नूर महल का सीन जो है भोलेपुर में सबसे ज़्यादा फेमस है भी नूर महल, एंड अक्सर लोग वहाँ पर शूट करना प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि ये बहुत मेन स्ट्रीम जगह है, हमें कुछ और जगह चाहिए। खैर, अब नूर महल का सीन है कि वहाँ पे आप शूट करवा सकते हो, वहाँ पे आपको किसी तरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। नूर महल इज़ अंडर आर्मी एंड नूर महल में शूट करवाने के पैसे आपको लगते हैं तकरीबन 20,000 रुपये और नॉन नेगोशिएबल, अनलेस आपको आर्मी में रेफरेंस है कि नहीं है तो शायद थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाए, लेकिन फॉर नॉर्मल पर्सन इट कॉस्ट यू 20,000 फॉर द शूट। सुबह से लेकर शाम तक करें, जब मर्जी करें, कोई मसला नहीं, इनडोर आउटडोर वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अब दूसरे नंबर पर आता है दरबार महल। दरबार महल जो है वो आर्मी के अंडर है और वहाँ पे आर्मी के ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे टेक्निकली शूट अलाउड है नहीं, वहाँ पे परमिशन नहीं मिलती है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि अगर आप दरबार महल में शूट करवाना चाहते हो और आपको परमिशन भी मिल जाए, क्योंकि आपका आर्मी में बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए। वहाँ पे चार्जेस तो कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, नहीं तो 90% ऑफ द टाइम तो आपको वहाँ पे परमिशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बात आप माइंड में रख लें जब आप अपना शूट प्लान करें तो आपको कहाँ शूट करवाना चाहिए। और दरबार महल में अगर किसी ने आपको बोल दिया कि शूट हो सकता है, तो आपको बैकअप में एक और जगह ज़रूर रखनी है, क्योंकि दरबार महल में अक्सर शूट नहीं हो पाता। तीसरी ऑप्शन पे जाते हैं, तीसरी ऑप्शन जी है गुलजार महल। गुलजार महल अगेन आर्मी के अंडर है, लेकिन अब पहले वो वहाँ पे परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, अब उन्होंने वो जगह कमर्शलाइज कर दी है। अब वो फी घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं, एंड दे आर चार्जिंग 10,000 फॉर एन आवर ऑफ द शूट, एंड इस तरह से घंटे बढ़ते जाएंगे, पैसे बढ़ते जाएंगे। तो गुलजार महल इज़ ऑल्सो कमर्शलाइज, वहाँ पे आपको परमिशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ऑल यू नीड इज़ द मनी एंड यू आर गुड टू गो। कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ लोकेशन एंड दैट इज़ सेंट्रल लाइब्रेरी भावलपुर। अब सेंट्रल लाइब्रेरी का सीन है कि वहाँ पे एज सच डायरेक्टली चार्ज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अंडर द टेबल चार्ज देना चाहते हो तो वाई नॉट। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, वहाँ पे परमिशन की ज़रूरत, और परमिशन वो क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर आती है और गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करती है आपको बेहतर पता है, तो आपने गवर्नमेंट को किस तरह से क्रैक करना है वो आपके ऊपर है, कैसे करते हैं और आप वहाँ पे शूट करवा सकते हैं, लेकिन तरीके से। फिर हम आते हैं पाँचवें नंबर पे, दैट इज़ DHA भावलपुर। DHA वैसे तो कोई खास लोकेशन है नहीं, लेकिन वहाँ पे रोड नेटवर्क थोड़ा सा प्यारा है, सनसेट्स प्यारे हैं, लाइटिंग मतलब लाइट के जो पोल्स लगे हैं वो थोड़े बेहतर हैं, तो वहाँ पे आपका शूट बेहतर हो सकता है। और पार्क है, डांसिंग फाउंटेन्स है, जो मुझे पर्सनली पसंद तो है नहीं, लेकिन चलो मान लिया। अब एक लोकेशन आती है जो मैंने बहुत मुश्किल से डिस्कवर की थी, लेकिन अब वहाँ पे पूरा बाजार लग रहा था, दैट इज़ कॉल्ड ज़खीरा द फॉरेस्ट, विच इज़ लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ भावलपुर। अब उसका सीन ये है कि वहाँ पे इट गिव्स यू द फॉरेस्ट काइंड ऑफ लुक, सो इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग कि यार मैं थोड़ा सा ग्रीनरी सीनरी में शूट कराना है, दरख्त वरख्त थोड़ा सा भावलपुर भी ना लगे, ये वाला ना लगे, तो यू कैन गो टू दैट प्लेस। ये है बिल्कुल भावलपुर की एंट्रेंस पे, अहमदपुर रोड वाली साइड पे। अब नेक्स्ट अगर हम आएँ तो अगर आप थोड़ा सा भावलपुर से दूर जाना चाहें, देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ दिलावर फोर्ट। दिलावर फोर्ट आप सब कुछ पता है, आपने पिक्चर्स में देखा होगा, वहाँ पे रैली होती है, वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आप शूट करवा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर के गर्मियों में वो शूट ना हो। अगर गर्मियों में करवाना है तो आपको साथ में कुछ ना कुछ तो लाजमी लेके जाना है, ठीक है। बट दीज आर द मेन लोकेशन, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड लोकेशंस टू शूट इन भावलपुर, यू गॉट द लिस्ट। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, आई लव टू आंसर।